भागवतम स्कंद सप्तम अध्याय भगवान नसी द्वारा असुर राज का वध श्लोक संख्या सेवनटीन शब्दार्थ तात्पर्य भक्ति विधान स्वाई प्रभुपात के द्वारा आज विशेष इस श्लोक को लिया है क्योंकि आज भगवान देव का प्राकट्य दिन है सत्यम विधा निजृत्य भाषितम व्याप्ति चूतेष्विश्वत्म अदृश्यताभुत मुदन स्तंभे सभायां न मृग न मानुष शब्दा सत्यम सच विधा करने के लिए निज वृत्भाषित अपने दास के ही शब्दों को अर्थात प्रहलाद महाराज द्वारा कहे गए शब्द कि भगवान सर्वव्यापी है व्यापतिम उपस्थिति च तथा भूतेषु जीवों तथा तत्वों के मध्य अखिलेशु समस्त तथा आत्मनः अपना अदृश्यता अति अद्भुत अद्भुत रूपम रूप को उद्वहन धारण करके स्तंभे खंभे में सभायाम सभा के भीतर न नहीं मृगम पशु, पशु। न तो मानुषम मनुष्य अनुवाद अपने दास प्रहलाद महाराज के वचनों को सिद्ध करने के लिए कि वे सत्य है अर्थात यह सिद्ध करने के लिए कि परमेश्वर सर्वत्र उपस्थित है यहाँ तक कि सभा भवन के खम्भे के भीतर भी है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि ने अपना अद्भुत अभूतपूर्व अद्भुत रूप प्रकट किया यह रूप न तो मनुष्य का था न सिंह का इस प्रकार भगवान उस सभा कक्ष में अपने अद्भुत रूप में प्रकट हुए हिरण्य कश्यप ने प्रहलाद महाराज से पूछा कहा तुम्हारा भगवान है क्या वह इस खंभे में उपस्थित है तो प्रहलाद महाराज ने निर्भीक होकर उत्तर दिया हाँ मेरे भगवान सर्वत्र उपस्थित है अतएव हिरण्य कश्यप को यह विश्वास दिलाने के लिए कि प्रहलाद महाराज का कथन अकाट्य रूप से सत्य था भगवान उस खंभे में खंबे से प्रकट हो गए वे आधा सिंह तथा आधा मनुष्य के रूप में प्रकट हुए जिससे हिरण्य कश्यपु यह नहीं जान पाया कि यह विराट देव सिंह है या मनुष्य प्रहलाद के कथन की पुष्टि करके भगवान ने सिद्ध कर दिया कि उनका भक्त कभी विनिश विनष्ट नहीं होता जैसा कि भगवदगीता में कहा गया है कौनते नमे भक्त प्रणश्यति यदि प्रहलाद का असुर पिता उन्हें मार डालने की बार बार धमकियां दे चुका था किंतु प्रहलाद को विश्वास था कि वे मारे नहीं जा सकते क्योंकि उनकी रक्षा करने वाले परमेश्वर है खम्बे से प्रकट होकर भगवान ने मानो यह कहते हुए अपने भक्त को प्रोत्साहित किया हो मत चिंतित हो मैं यहाँ उपस्थित हूँ देव के रूप में प्रकट होकर भगवान ने ब्रह्मा जी के वचनों को भी रख लिया कि हिरणय का शिव का वध न तो किसी पशु के द्वारा होगा न मनुष्य द्वारा भगवान ऐसे रूप में प्रकट हुए जो न तो पूरी तरह मनुष्य का न सिंह का कहा जा सकता था ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनिशलाकया भज्र कर्माशयान् कर्माश्रयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रसॐ स्वाहा अभयम् अभयम् आत्मनि भूयिष्ठा ॐ श्रों श्रीकृष्णचैतन्या प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर शिवासादिगौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा आज भक्तों के प्रिय भगवान देव का आविर्भाव तिथि है देव ने सिद्ध किया कि मैं भक्त का कभी भी विनाश नहीं होने दूंगा और मैं भक्त के वचन को कभी मिथ्या जाने नहीं दूंगा ये श्लोक से हमें मालूम पड़ता है भागवत हम में ये प्रहलाद महाराज की जो कथा है वो बहुत सारे चैप्टर है उसके पूरा इतने चैप्टर जो सबसे ज्यादा इसमें है कोई भी कथा में है सब कथा है लेकिन प्रहलाद महाराज की कथा जो है वो विशाल रूप से है प्रभुपाद ने तात्पर्य भी बहुत दिया है देखिए कहां तक आता है तो अध्याय दस मतलब कहां से शुरू होता है पहले अध्याय दस अध्याय दस से भी ज्यादा अध्याय में है कथा है ये महत्वपूर्ण सब है कथा तो जब प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं कर पाया हिरण्य का शिव वो हिरण्य काश्य इतना शक्तिशाली था कि देवता कांपते थे देवता डरते थे उनकी सेवा करते थे और प्रहलाद महाराज ने भी बोला कि देखिए आपसे देवता डरते हैं आप इतने शक्तिशाली है लेकिन आप सर्वोपरि नहीं है बस इससे बहुत गुस्सा आया और वो जैसे असुर को जब बोला जाता है कि आप से बड़े हैं भगवान है वो नास्तिक बोलते हैं नहीं मेरे से कोई बड़े नहीं है मैं ही महान हूं इसी प्रकार ये नास्तिकों का और दुर्जनों का प्रतिनिधि रूप था हिरण्य और नास्तिक दुर्जनों को क्या अच्छा लगता है सोना और सोना हिरण्य काश्यपू हिरण्य यानी सोना और कशिपु यानी गादी ओशिका तो गादी पे सोना और सोना बस यही दो प्रिय होते हैं और वो लोग जिनको ये दो प्रिय है वो कभी भी भगवान के शरण में नहीं आते हैं यहां हिरण्य कुछ एकदम डिप्रेस हो गया था पूरे टेंशन में आ गया था क्यों क्योंकि प्रहलाद महाराज को इतने उपाय से मारने का प्रयास किया कितना उपाय किया उसने प्रथम स्कंद में इतना उपाय किया कि बोला इनको कोई भी हिसाब से मारो जहर देकर पर्वत से गिरा के हिंसक पशुओं के बीच में रखे हाथी बड़े बड़े हाथी के बीच में छोड़ दिया फेंक दिया वहां जाके और वो त्रिशूल अरे ये सब तलवार घातक शस्त्र से उसको मारा प्रहलाद को मरवाया अपने बाप ने देखो कितना दुष्ट है बस हैद महाराज ने भगवान की बात की भगवान सरोपरि है क्योंकि ये जो जैसे असुर लोग होते हैं और भौतिकतावादी लोग वो क्या होते हैं वो इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं और यदि इंद्रिय तृप्ति करना है तो भगवान का तो साइड पर रखना पड़ेगा कि भाई भगवान को ही नहीं है क्योंकि इंद्रिय तृप्ति करना है तो फिर नरक की सजा मिलेगी तो नरक की सजा क्या है शास्त्र में और शास्त्र किसने लिखा भगवान ने इसीलिए भगवान कुछ है नहीं शास्त्र भी कोई काम का नहीं है ऐसा करके वो भगवान को वो नास्तिक लोग भगवान को डिनाई कर देते हैं उस उसके डिनाई होने से होता है यहां प्रभुपाल लिखते हैं जब हिरण्य का ने प्रहलाद महाराज से पूछा कहा तुम्हारा भगवान है है तुम्हारे भगवान तुम बोलते सर्व व्यापी है कहा है तुम्हारे भगवान क्या इस वह इस खम्भे में उपस्थित है तो प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया यस हा? मेरे भगवान सर्वत्र उपस्थित है इतना विश्वास प्रहलाद महाराज को इतना विश्वास था आप सोचिए जब प्रहलाद महाराज शिक्षण लेकर वो आए भौतिक शिक्षण लेकर तो बहुत खुश हो गए हिरण्य कश्य बोला आओ बेटा आओ बेटा बैठो बैठो उनका मस्तक सूंगा प्रहलाद का बेटा है ना उनका बोला बेटा क्या पढ़ के लाए तुम <laughs> क्या पढ़ा तुमने तो प्रहलाद मेरे तो श्रवणम कीर्तनम विष्ण जैसे ही विष्णु का नाम है खत्म बात क्योंकि विष्णु ने हिरण्य के भाई को हिरण्य अक्ष मारा था इसलिए वो हमारा दुश्मन है इसलिए वो दुश्मन है और जैसे ही सुना अरे ये तो कुल का कलंक है प्रहलाद को बोलते हैं कुल का कलंक है तुम तुम मेरे ही घर में रहकर तुम्हारे काका का जिसने हत्या किया, हत्या किया है तुम भी मेरे भाई का हत्यारे हो ऐसा बोल दिया इतना गुस्से हो गया फिर शंड और अमर जो शुक्राचार्य के पुत्र थे उनके गुरु थे उनको बुलाओ। क्या सिखाई इनको ये सिखाया विष्णु की भक्ति सिखाई तुमने तुमको कुछ ये नहीं मिलता बहुत डांटा उसको फिर उसको बोला हमने नहीं सिखाया इसको आप गुस्से हो रहे हम पे हमने नहीं सिखाए प्रहलाद को तो कैसे सिखा वो हमको मालूम नहीं है फिर शंड और अमर को बोला तुम इसको पढ़ाओ अच्छी तरह तो जाके उनको पढ़ाते वापस और वो उनको बोलते तुम बेटा पिता की बात मानो ना ये सब हम इतना अच्छा तुम सीखना है क्योंकि हिरण्य के चाहता था कि वो पॉलिटिशियन बने मेरी तरह और राज्य करें और प्रहलाद मार राजा प्रोबल लिखते दो दो राजा है दो प्रकार के राजा है एक राजा है जो गृहों में दी है अपनी इंद्र तृप्ति के लिए राज्य करता है और दूसरा है राजर्षि जो भगवान राज्य करता है लेकिन भगवान को केंद्र रखकर और आज राजर्षि कोई नहीं सब राजा है कैसे राजा है ऐसे हिरण कश्यप जैसे जिनको भगवान की कोई पढ़ी नहीं है हम ही भगवान है तो ऐसे राज्य में कोई सुखी नहीं हो सकेंगे सब डरते थे यज्ञ बंद था ये सब बंद करवा दिया था उसने सोचा कि मैं सब बंद करवा दू ताकि विष्णु विष्णु को ये नहीं मिले पोषण नहीं मिले भक्त मर जाएंगे विष्णु मर जाएंगे वैसे सोचते हैं ये है असुरों की सोचना तो प्रलात्मा ने कहा नहीं सब जगह है भगवान कितना निर्भय इतना बड़ा आदमी से मतलब हम कल्पना कर सकते पांच साल का बालक हमको हम कहीं पे जाए हमको कोई धमका है कि मैं सर्वोपरि हूं तो हमारा विश्वास दक जाएगा भाई इसको हम डर जाएंगे हम प्रहलाद महाराज की तरह निर्भक नहीं होंगे लेकिन प्रहलाद महाराज ने स्मरण भगवान का स्मरण करते थे वो 24 घंटा रोते थे हंसते थे जोर जोर से भगवान का नाम लेते थे या वर्णन आता है इस भागवतम में वर्णन है वो रोते थे क्यों रोते थे एक छोटा बच्चा जैसे भगवान कभी दूर चले जाए वो सतत भगवान का दर्शन करते थे प्रहलाद महाराज वो इतने उच्च आ, उच्च भक्त थे प्रहलाद महाराज कि भगवान का दर्शन करते और प्रहलाद महाराज की रक्षा भगवान ने की प्रहलाद महाराज ने ऐसा नहीं सोचा था बस उनका तो एक ही कर्तव्य था स्मरण करना और भगवान ने रक्षण किया सब जगह से और जब ये हद हो गई तब भगवान प्रकट हो गए अपने अपने दास प्रहलाद महाराज के वचनों को सिद्ध करने के लिए कि वे सत्य है अर्थात वह सिद्ध करने के लिए कि परमेश्वर सर्वत्र उपस्थित है यहां तक कि सभा भवन के खंभे के भीतर भी है और फिर भगवान ने अद्भुत रूप प्रकट किया अद्भुत ये हम देखते हम मैं थोड़ा आगे का भूमिका देखूंगा कि हिरण्य कश्यप कितना डिप्रेस था डरा हुआ था कि डरा हुआ होगा ना वो वो डर रहा था प्रहलाद से क्यों क्योंकि उसको तो कोई मार ही नहीं सकता था कितना प्रयास किया मारो मारो कैसे भी मारो इसको कोई नहीं मार पाए प्रहलाद को सोचिए अब अगर कोई तलवार लेके आए और हमारा गला हमको मार दे तो हमारा गला मर जाएंगे हम तुरंत या प्रहलाद को कोई नहीं मार सका और ये आदमी की जो ब्रह्मांड का पूरा साम्राज्य उसका था डरते देवता भी वो नहीं मार पाया अब सोचिए यानी भक्तों के लिए सिर्फ और सिर्फ भगवान का ही रक्षण है इसलिए हम लोगों को कि किसी और चीज पे आश्रित नहीं रहना चाहिए हमें कंप्लीटली कृष्ण के ऊपर आश्रित रहना चाहिए जब हमारे जीवन में कोई भी समस्या क्यों ना है ये दो उदाहरण जबरदस्त है एक प्रहलाद महाराज एक कुंती महारानी हम हमको भक्ति में प्रगति करने के लिए सतत हमें प्रहलाद महाराज की कथा और कुंती महारानी की कथा ये सतत याद रखनी चाहिए भक्ति में प्रगति करनी चाहिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ये प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज की कथा बारम्बार सुनते थे वो हमको दिखाने के लिए कि भाई ये भगवान कैसे देखो अपने भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं जब प्रहलाद महाराज ने कहा हुँ? वो अपने बच्चे, अपने बच्चे, को नारद मुनि ने कहा पहले इसी अध्याय का अध्याय का, पहला श्लोक में नारद मुनि ने कहा सारे असुर पुत्रों ने प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेशों की सराहने की इसके आगे के अध्याय में बताते हैं कौमारो आचरित प्राग्नो धर्मान भागवतानिया अरे भाई प्रहलाद महाराज के मित्रों ने बोला चलो प्रहलाद ये खेल ले थोड़ा खेले या भी हम तो बच्चे हैं खेले तब प्रहलाद महाराज ने, ने बोला नहीं कौमार और चरित्र प्राग्नो धर्मान भागवत आनी ये ये जो कुमार अवस्था है वहां से भक्ति करनी चाहिए क्यों दुर्लभम मानुषम जन्म तदप अद्रुवम तदार ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण है इसीलिए कुमार अवस्था से भक्ति करनी चाहिए ये प्रहलाद महाराज कहते हैं सबको तो ये सब उपदेश दिया बैठो बैठो सबको बिठा के उपदेश दिया वो छुट, जब नहीं होते थे उनके टीचर तब जाके बैठ के, सबको उपदेश दिया तब नारद मुनि ने कहा ये नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कथा कह रहे हैं ये पूरी तब नारद मुनि ने ना आगे कहा सारे असुर पुत्रों ने प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेशों की सरा, सराहना की और उन्हें अत्यंत गंभीरतापूर्वक ग्रहण किया उन्होंने शंड तथा मर्क नामक अपने गुरुओं द्वारा दिए गए भौतिकवादी उपदेशों का तिरस्कार कर दिया इसीलिए हम लोग ये उपदेश ये जो शिक्षक पढ़ाते हैं स्कूल में वो कोई आवश्यक नहीं है वो उपदेश कोई काम का नहीं है हमको प्रहलाद महाराज ने जो उपदेश दिया वही हमें अपने पढ़ना चाहिए अपने बच्चे को पढ़ाना चाहिए वही काम लगेगा और कोई उपदेश नहीं काम लगेगा प्रहलाद महाराज तो विश्व के सम्राट बनने वाले थे क्योंकि वो हिरण्य के पुत्र थे और उनको गद्दी मिलने वाली हिरण्य कश्यप ने तो पूरा ये कर दिया था लेकिन प्रहलाद महाराज ने बोला मुझे नहीं चाहिए ऐसी गद्दी नहीं चाहिए हा? ऐसा मुझे नहीं चाहिए तो उन्होंने शंड अमर्क जो शिकार है थे त्याग दिया जब शुक्राचार्य के पुत्र शंड तथा अमर्क ने देखा कि सारे विद्यार्थी असुर पुत्र प्रहलाद महाराज की संगति से कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं तो वे डर गए ये डर गए अतएव वे असुर राज के पास गए और उनके उनसे सारी स्थिति यथावत वर्णन कर दी ये पहली बार नहीं जा रहे आगे भी दो बार ऐसा हुआ फिर ये तो अभी ये डर गए अभी हमारा कुछ नहीं होगा मैं इसको इतना डरा धमका कर मर उनको सिखा रहे थे नहीं सीखे वो तिरस्कार किया फिर बोले अभी वो जाके दाज हिरण के पास गए जब हिरण कश्यप सारी स्थिति समझ गया तो वह इतना अधिक क्रुद्ध हुआ कि उसका शा, सारा शरीर कांपने लगा वो बहुत गुस्से हो गया हुँ? इस तरह उसने अंततः अपने पुत्र प्रहलाद को मार डालने का निश्चय कर लिया अभी यहां लिखते हैं मार डालने का निश्चय किया उन्होंने मार डालने का ऑर्डर कब से दे दिया है इस उन्होंने बोला अभी तो मैं मार ही डालूंगा इधर ने स्वभाव से अत्यंत क्रूर था और अपने को अपमानित हुआ जानकर वह पांव से कुचले सर्प की भांति फुफकारने लगा उसका पुत्र प्रहलाद शांत विनम्र बद्र था भद्र था शांत था वो इतने गुस्से में था हमें ये शिक्षा लेनी है जब कोई गुस्से में हो जाए हमसे जैसे कोई आ, हम प्रचार करने जाते हो बहुत गुस्से हो जाए तो हमको शांत रहना है हमको उसके सामने गुस्सा नहीं करना है शांत रहने के बाद कभी गुस्सा कर सकते हैं लेकिन इन प्रहलाद महाराज की तरह प्र, उसका पुत्र प्रहलाद शांत वो कहां पर हिरण कश्यप और कितना हैवी बॉडी था वो हुँ? इतना हैवी बॉडी था वज्र जैसा शरीर था उसका हिरण्य का उसका पुत्र प्रहलाद शांत विनम्र तथा भद्र था वह इंद्रिय, इंद्रिय संयमी था और हिरण्य कश्यप के समक्ष हाथ जोड़े खड़ा था निर्भय होकर वो भय से नहीं वो कांप नहीं रहा था बल्कि हिरण्य कश्यप कांपता था, था। उल्टा होता है ना जनरली वो एक बहुत बड़ा आदमी होता है वो गुस्सा करता है और सामने वाले द्वारा वह वा कांपता है लेकिन यहाँ वो गुस्सा भी कर रहा था और कांप भी रहा था कौन हिरण का वह अपनी आयु तथा आचरण के अनुसार प्रताड़ना प्रताड़ना के योग्य न था उसके ऊपर इतना गुस्सा ये बच्चे के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए हन उनकी आयु के अनुसार प्रताड़ना के योग्य न था उनको गुस्सा नहीं करना चाहिए शांति से ये ये शिक्षा लेनी है बच्चा जब तक पांच साल का होता है ना उसको समझा के उसको मारना नहीं चाहिए लेकिन जब पांच से दस साल का उसके ऊपर थोड़ा गुस्सा मतलब कर सकते हैं चाणक्य के पंडित की के कहावत है और फिर बड़ा हो जाता तो मित्र के जैसा होना चाहिए युवन हो जाता तो वो योग्य न था फिर भी हिरण्य शिव ने टेढ़ी नजर से उसे घूरते हुए निम्नलिखित कट्ट शब्दों के द्वारा फटकारा अभी देखो उससे कुछ नहीं हो रहा था कुछ नहीं हो रहा था तो और वो चिल्ला रहा था और कड़वे शब्द बोल रहा था ऐसा होता है ना जब कोई ऐसा है कुछ नहीं तो इतना गाली बोलता है इतना गाली बोलता है इतना गुस्सा करता है सामने वाला तो ऐसे ही कटु कड़वे वचन से कड़वे वचन सुना देगा सुनता नहीं है सामने वाला तो हिरण्य कश्यप ने कहा अरे उद्ड निपट दुर्बुद्धि परिवार को कलंकित करने वाला अभी हम समझ सकते कौन परिवार को कलंकित करते थे अरे नीच तुमने अपने ऊपर शासन करने वाली शक्ति का उल्लंघन किया है तू हटी मुरके आज मैं तुझे यमराज के घर भेज, भेजूंगा इवन हिरण्य काश्यप ने यमराज के ऊपर के भी कब्जा कर लिया था इसलिए वो सोचता है मैं ये प्रहलाद को वहां पहुंचा दूंगा अरे दुष्ट पुत्र प्रहलाद तुम जानते हो कि जब मैं क्रुद्ध होता हूं तो तीनों लोग अपने अपने नायकों सहित कांपने लगते हैं तो फिर तुम किसके बल पर इतने दृष्ट हो गए हो कि तुम निर्भीक होकर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो हुँ? क्यों मेरी आज्ञा नहीं मानते हो मानते जो पूरा ब्रह्मांड कांपता है मेरे से तब प्रहलाद शांति से कहते हैं श्री प्रहलाद वाच राजन आप जिस बल के मेरे स्रोत को जानना चाहते हैं चाह रहे हैं वही आपके बल का भी स्रोत है मतलब आप जानते कि मुझे शक्ति किसमें मिल रही है आप जिससे शक्ति प्राप्त करें उसी स्रोत से मुझे शक्ति मिल रही है निसंदेह समस्त प्रकार के बलों का मूल स्रोत एक ही है हु? मतलब वो उनके बोलते आप आप जिस आप, जिस, आप जो मगजमारी करे ना आप दादागिरी करे ना गुस्सा कर ना तो आप जिसे शक्ति प्राप्त कर उसी से मैं प्राप्त कर रहा हूँ हमारे एक ही स्रोत है वह न केवल आपका या मेरा बल है अपितु सबो का एकमात्र बल है भगवान उसके बिना किसी को कोई बल नहीं मिल सकता चाहे चल हो या अचल यानी पेड़ पौधे सबको बल किससे मिलते हैं कृष्ण से हमारी इसीलिए कहते हैं ना कि एक पत्ता भी हिल नहीं सकता यदि कृष्ण की इच्छा नहीं हो तो चाहे चल हो या अचल उच्च हो या नीच ब्रह्मा समेत सारे जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बल द्वारा नियंत्रित है ये ब्रह्मा जी जिन्होंने तुमको वरदान दिया है आपको वो ब्रह्मा जी भी भगवान के से शक्ति प्राप्त करके सेवा करते हैं और आगे महाराज हाथ जोड़ के एकदम शांति से स ईश्वर काल उ क्रमोसा ये सब ओ जत्वेंद्रिया आत्मा स एव एवं परम स्वशक्ति सुजत्यवत्य गुण तेष परम नियंता एवं काल रूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इंद्रियों के बल मन के बल शरीर के बल तथा तो इंद्रियों के प्राण है यानी हमारा बल हमारे जो इंद्रियों ये जो हाथ आंख सब देखने का कार्य ज्ञान कर्मेंद्रिय काम करने का कार्य करते हैं उसको बल कौन देते हैं भगवान मन के बल फिर शरीर का बल इंद्रियों, मन शरीर तथा शरीर के बल तथा इंद्र के प्राण है परम नियंत्रण कौन भगवान उनका प्रभाव असीम है वे समस्त जीवों में श्रेष्ठ तथा प्रकृति के तीनों गुणों के नियंत्रण वे अपनी शक्ति से इस ब्रह्मांड का सृजन पालन तथा संहार करते हैं वो तीन गुणों से परे है और आप पिताजी आप रजोगुण तमोगुण में है प्रहलाद ने आगे कहा हे hey, पिता आप अपनी आसुरी प्रवृत्ति त्याग दे देखो आप कल्पना कीजिए कि प्रहलाद एक छोटा बालक बच्चा खड़ा है और वहां हिरण्य है जैसे यमुना और विजय दामोदर प्रभु विजय दामोदर प्रभु ऐसे ही देखते यमुना रोने लगती है है ना यमुना बेचारी चिल्लाती है और क्या कर सकते लेकिन यहां हिरण्य सोच सकते हम हुँ? और कहा प्रहलाद फिर भी कहा देखिए पिता आप अपनी असुरी प्रवृत्ति त्याग दे कितना हम समझ सकते कितना निर्भय और शांत होंगे प्रहलाद मार्ग कितना भगवान में विश्वास होगा इसीलिए ये चैप्टर में हमको बहुत शक्ति मिल सकती है ये ये कथा में हुँ? ध्रुव प्रहलाद महाराज की कथा में ध्रुव महाराज की कथा में कितनी शक्ति मिल रही है हम इस शक्ति से हम दुनिया की कोई भी ताकत का सामना कर सकते हैं यही बात है ना हमें हमारे जीवन में कोई भी घटना क्यों ना बने हमें डरना नहीं है कोई भी हिसाब से कोई डरना नहीं है आप अपने हृदय में शत्रु मित्र के में भेदभाव न लाएं आप अपने मन को सबों के प्रति संभाव बनाए उपदेश दे रहे बेटा बाप को इस संसार में अनियंत्रित तथा पथभ्रष्ट मन के अतिरिक्त कोई शत्रु नहीं महत्वपूर्ण हम सोच रहे ये शत्रु है वो शत्रु है आप सोच रहे पिताजी कि मैं आपका शत्रु है नहीं नहीं देखिए इस संसार में अनियंत्रित तथा पथभ्रष्ट मन के अतिरिक्त कोई शत्रु नहीं है यह हमें समझना है यानी शत्रु हमारे अंदर में बैठा है जब कोई मनुष्य प्रत्येक व्यक्ति को समानता के स्तर पर देखता है तभी वो भगवान की ठीक से पूजा करने की स्थिति में होता है पूजा हम कब कर सकते हैं सब समान है सब भगवान के अंश है और मैं भी भगवान का अंश हूं कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं है एक आ, ये तो होता है कि भाई गुरु गुरु होते हैं शिष्य शिष्य होते हैं वडिल होते हैं पिता होते हैं माता होते हैं और बच्चा होता है तो एक ये भेदभाव एक अलग बात है लेकिन आंतरिक रूप से महात्मा लोग भेदभाव नहीं करते हुँ? महात्मा भेदभाव नहीं करते तो पूजा कब से ठीक कर सकुपत आते जब तक मन को भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं कर लिया जाता तब तक मन को वश में कर पाना असंभव है यानी हमारा दुश्मन और कोई नहीं सिर्फ मन है मन ये प्रहलाद मार्ग की शिक्षा है तो पिताजी आप छोड़ दो ये सब ये त्याग कर दो असुर छोड़ दो क्यों मारते हो सबको आप सोचते ये सब दुश्मन है विष्णु के भक्त नहीं आपका मन आपका मन आपका दुश्मन है आगे बता रहे ये, ये हमें बहुत बड़ी शिक्षा है कि हमारा मन दुश्मन है और कोई दुश्मन नहीं है हम सोचते ये अच्छा नहीं है मेरे ये ये भक्त अच्छा नहीं है वो भक्त अच्छा नहीं नहीं भाई नहीं ये मन हमारा अच्छा नहीं है और मन पांच इंद्रियों के साथ मना षष्ठान इंद्रिया प्रकृति कर्ष प्रकृति स्थानी कर्षती है प्रकृति स्थानी कर्ष संघर्ष कर रहे हैं वास्तव में हम लोग सब संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष ऐसा है कि आज भगवान नरसिंह का प्रागट्य दिन है हा? और हमको हम समय निकालना पड़ेगा समय रखना पड़ेगा आप सबका बड़ा आभार आप समय निकाल के कथा के लिए आए निकालना चाहिए हमको समय लेकिन हम निर्भय नहीं हैं नहीं मुझे जॉब तो जाना ही पड़ेगा पैसा तो लाना ही पड़ेगा नहीं कम से कम ये सब दिन तो छुट्टी लेनी चाहिए जो भी हो जाए जाओ जॉब से निकाल दो <laughs> यदि नहीं ऐसा नहीं कर सकते हम तो कोई बात नहीं जॉब पे रहकर ये कम से कम ये पढ़ना चाहिए ऐसा कथा सुननी चाहिए प्रहलाद महाराज की आज के दिन तो कम से कम सुननी चाहिए कथा कितने निर्भय पिता को बोलते पिताजी आप छोड़ दो शत्रुता हुँ? आपका दुश्मन मैं नहीं हूं या विष्णु भक्त नहीं है आपका दुश्मन आपका मन है जिसको आप लेकर खड़े हैं ये विनाश कराएगा आपका आप छोड़ दो इसको कोई ये नहीं है इसी वजह से आपके मन की वजह से आप विष्णु को शत्रु समझ रहे हैं और इसीलिए उसकी पूजा नहीं कर सकते क्या क्या लिखा है कि आप आ, जब कोई मनुष्य प्रत्येक व्यक्ति को समानता के स्तर पर देखता है तभी वह भगवान की ठीक से पूजा करने की स्थिति में होता है मैं तो दास हूं ये सब मेरे प्रभु है इस अवस्था में त्रिनादअअपी सुनिचे ना ये बहुत महत्वपूर्ण है सदा सदाहि इस पे हम लोगों को बहुत ध्यान देना चाहिए चैतन्य चरता में कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वाई की ये मंत्र अपने गले में रखो त्रिनाद अपनी सुनिचे नरोरपी सहिष्णुना मान ही ना मान देना कीर्तनय सदाहि और यही उपदेश यहां दे रहे प्रहलाद महाराज क्या कि आप सदा सदाहि कब हो सकते हैं जब हम तृण से भी तुच्छ अपने आप को समझे तृण त्रुन, तृणादपी त्रृणादपी सुचे ना हम इससे भी नीच है घास के दिन अभी घास के दिन के घास के ऊपर हम कितना वजन रख देते ना अपना पैर रख देते झुक जाते हैं वो ये बहुत मुश्किल का था ये ये कृष्णदास कविदास गोस्वामी कहते हैं इसको गले में रखो ये बहुत बहुत दुष्कर ये सब करना नम्रता तृणा वृक्ष भी सहनशील जितना भी समस्या है आने दो हु? आने दो कठिन से कठिन जैसे वृक्ष को वृक्ष को कोई काटता है फल तोड़ता है कुछ भी करता है वृक्ष कुछ नहीं बोलता है यानी सब सहन कर ले ठंडी गर्मी बल्कि गर्मी सहन करके ठंड देता है वृक्ष का छाँव कोई इसको हिलाता है तो फल देता है पत्ते देता है जो चाहिए वो लो लेकिन मुझे मारो मत ऐसा भी नहीं बोलता है हुँ? ये देखिए हमको ये लेवल पर पहुंचना है मुश्किल है बहुत मुश्किल है लेकिन प्रहलाद महाराज का अनुसरण करके हम कर सकते हैं एक ही दिन में नहीं आएगा रातों रात चलो अभी मैं नम्र बनता हूं ऐसे नहीं होगा चैंटिंग करनी पड़ेगी हु? मंगल आरती आनी पड़ेगी गर्मी में कितना गर्मी होता है पूरा स्नान कर लेते हम पहले घर से स्नान दूसरा पसीने से स्नान मुश्किल है ना पर यही हमको त्रुणादपी बनाएगा कीर्तनीय सदा हरी ही सदा कीर्तन कर सकते और यही बात कहते हैं कि भगवान की ठीक से पूजा करने की स्थिति में तब भी आएगा जब वो प्रत्येक वस्तु को प्रत्येक व्यक्ति को समानता के स्तर पर देखेंगे तो हमें यह समान बनना है मतलब सबको समानता समानता यानी सब मेरे प्रभु है मैं मैं तो घास का तिनका भी नहीं हूं पूरीशे, पूरी से पूरी पूरी से मैं भूल गया वो बहुत सुंदर श्लोक है कृष्णास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैं मल के कीड़े से भी हूं मेरा जो नाम लेगा जो मेरा नाम लेगा वो अः उसका सब पाप चला जाएगा मतलब पाप सब हो, वो पापी हो जाएगा मेरा नाम लेगा तो मेरा नाम बोलने से उनके सब पुण्य नाश हो जाएंगे बहुत सुंदर श्लोक है मुझे याद था भूल गया मैं कितना हमारा छोटा सा माइंड है तो हम लोगों को ये हिसाब से ये इतने नम्रता के लेवल पर आना है फिर आगे प्रहलाद महाराज कहते हैं प्राचीन काल में आपके समान ही अनेक मूड हुए है बोले है, मूड आप मूड है हा? एक भगवान ने मूड बोला एक प्रभुपाद ने मूड बोला प्रभुपाद कहते हैं ना कि मूडा हा? मुड़ा है जो भगवान का भक्ति नहीं कहते मूढ़ा है फिर बोलते हैं कि मैं मैं नहीं बोल रहा हूं भगवान बोल रहे अब भगवान के सामने केस करो मेरे सामने क्यों करते हो <laughs> और प्रहलाद यही बोलते हैं प्राचीन काल में आपके समान ही अनेक मूड हुए हैं जिन्होंने इन उन छह शत्रों को नहीं जीता जो शरीर की धन संपदा को चुरा ले जाते हैं ये छह शत्रु कौन है पांच ज्ञानेन्द्रिय और एक मन और मन इनका राजा है राजा बन के बैठा है उनका बाप का है ये सब इंद्रिया और सब अपना आप राजा बन गया हमारा सबका मन ये ये छह इंद्रियों के पांच इंद्रियों का राजा है ये मूड सोच कर गर्वित होते हैं, यानी आप पिताजी आप भी मूड है कितना निर्भयता तो देखो ये सोचकर गर्वित होते हैं, मैंने तो दसों दिशाओं के सारे शत्रु को जीत लिया है यही बोलता था ना कि मेरे से पूरा ब्रह्मांड कंट्रोल में है मेरे से पूरा ब्रह्मांड कांपता है और यही बात कहते हैं कि आप जैसे मूड बहुत हो चुके जो समझते सब दस दिशाओं का जीत लिया किंतु यदि कोई व्यक्ति इन छह शत्रु पर विजयी होता है और सारे जीवों पर संभाव रखता है तो उसके लिए शत्रु नहीं होते आप सबके ऊपर विजय कर लिया अपने मन पर विजय नहीं कर पा रहे अपने इंद्रियों पर विजय नहीं कर पाए शत्रु की कल्पना अज्ञानतावश की जाती है यानी ये मेरा शत्रु है वो मेरा शत्रु है या ज्ञानता है हम सोचिए मूर्ख सब छोड़ के आओ इधर तो हम क्या बोलेंगे मुझे मूर्ख कहा श्री हिरण या कशीपुर वाच श्री लगा है यहां जय विजय है ना व्यक्तम तम मर्तु कामो से योति मात्र विकथसे मुमूर्षुणा ही मंदात्मन अनुस्यूर्विक लवा गिरा ने उत्तर दिया हे धूर तुम मेरे महत्व को घटाने का प्रयास कर रहा है धूल उसको क्या बोला मूढ़ा तुम पिताजी अब मूढ़ हो तो ये तो प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य के जैसे एक सर्प के ऊपर पैर रख दिया तो सर्प और फुफाड़ा मारेगा हा? मेरे घटाने का प्रयास कर रहा है मानो तुम मुझसे अधिक इंद्रिय संयमी हैं अरे मैं इंद्रिय संयमी हूं तुम क्या हो इंद्रिय संयमी ऐसे प्रहलाद को कहते हैं या अति बुद्धिमत्ता है अतः मैं समझ रहा हूं कि तुम मेरे हाथों तो मरना चाहते हो क्योंकि ऐसी बेसिर पैर की उठपटांग बातें ही वही करते हैं जो मरणासन होते हैं यानी वो स्वयं को बता रहे कि मैं उत्पत बात कर रहा हूं मैं अभी मरने वाला हूं ऐसा ही हुआ ना हा? यहां लिखा है लिखते यद्यपि हिरण्य कशिप असुर था किंतु यहां उसे श्री शब्द से पुकारा गया क्यों इसका उत्तर यह है कि सौभाग्यवश उनका पुत्र प्रहलाद महाराज जैसा महाभगवत था इस प्रकार असुर होते हुए भी उसे मोक्ष प्राप्त होगा और वह भगवत धाम लौटेगा वो प्रहलाद महाराज का पुत्र था अरे पिता था ये बता रहे प्रभुपाल। फिर आगे क्या बोलते हैं अरे अभाग्य प्रहलाद तूने सदैव मेरे अतिरिक्त किसी परम पुरुष का वर्णन किया है जो हर एक के ऊपर है हर एक का नियंता है तथा जो सर्वव्यापी है तुमने ये बोला ना हु? बार बार मुझे बोलता था कि विष्णु परम पुरुष है हा? सब बाल और बाहर उसने किया श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम उनका विष्णु का स्मरण करो विष्णु सर्वव्यापी है पिता आपका स्रोत जो है ना मेरा और आपका शक्ति का स्रोत वही है विष्णु तब ये कहते हैं कि तूने सदैव मेरे अतिरिक्त किसी परम पुरुष का वर्णन किया है वो तो समझता है मैं ही भगवान हूं जब प्रहलाद महाराज पहली बार आए तो बोला बेटा तुमने क्या सीखा तो उसने ऐसा सोचा पिताजी आप महान हो ऐसा ही एक्सपेक्ट किया था प्रधानमंत्री ने बोला नहीं हाँ तुम सोचते हो कि हा? मेरे अतिरिक्त किसी परम पुरुष का वर्णन किया है ना जो हर एक के ऊपर है हर एक का नियंत्रण तथा जो सर्वव्यापी है लेकिन वह कहाँ है बता कहा है यदि वह सर्वत्र है तो मेरे सामने के इस खंबे में क्यों उपस्थित नहीं है राजमहल में था खंबा था इस खम्भे में उपस्थित होना चाहिए सर्वत्र है तो हुँ? आज का जो श्लोक हमने पढ़ा ना इसीलिए भगवान पुष्टि का ये ये प्रहलाद महाराज ने बोला सर्वत्र है तो खंभे में भी होना चाहिए तब आगे कहते चूंकि तुम इतना अधिक अनर गल प्रलाप कर रहे हो अभी इसको देखो अभक्त तो हो ये विष्णु द्वेषी हो क्या विष्णु भक्त को बोलते हैं अतः अब मैं तुम्हारे शरीर से तुम्हारा शीर छिन्न कर दूंगा अब मैं देखूंगा कि तुम्हारा परम आराध्य ईश्वर तुम्हारी रक्षा किस तरह करता है मैं उसे देखना चाहता हूं ये असुर लोग है ना हमेशा उसका इतना डिफीट होता है उसका पराजय हर बात में होता है पैसे कमाने जाते पराजय होता है पत्नी पति फैमिली लाइफ में पराजय होता है कौन फैमिली लाइफ में सुखी होता है कोई नहीं सब पराजय होता है घर के मामले में सब जगह पराजित होते हैं सब जगह नौकरी में बिजनेस में उसको लगता है कि मैं विजय हो रहा हूँ सोचते हैं मेरे पांच फैक्ट्री है पर पांच फैक्ट्री भाई तुमको नचा रही है तुमको दुखी कर रही है वो नहीं दिखता हम नौकरी करते हैं बारह घंटा नौकरी करते हम सोचते हम बड़ा पैसा कमाते हैं ये हमारा पराजय है किसी नौकरी यानी श्वान वृत्ति ये हमारा पराजयी है तो ये असुर लोग ऐसा नहीं है। सोचते हैं, वो बल्कि सोचते हैं कि आ, ये हमारा हम जीते हुए हैं सब जगह तो अभी मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा परम आद्य ईश्वर तुम्हारी रक्षा किस तरह करता है उनको कहीं कृष्ण भगवान नहीं दिखेंगे और वो क्या प्रलाप कर रहे तब अतिशय क्रोध के कारण महाबलशाली हिरण कश्यपु ने अपने महाभागवत पुत्र को अत्यंत कटु वचन कहे और उसकी भर्सना कीश्यपु बार अपनी तलवार लेकर अभी तलवार निकाली उसने सोचा मैं सबका विनाश इस तलवार से करता हूं अभी प्रहलाद को भी इससे मारूंगा अपने राजसी सिंहासन से उठ खड़ा होकर और अत्यंत क्रोध के साथ खंबे पर मुष्टि का प्रहार किया प्रहलाद ने बोला इस खम्बे में मेरे भगवान है और मुष्टि का प्रहार किया हुँ? तब उस खम्बे से एक भयावह आवाज आई जिससे ब्रह्मांड का आवरण विदीर्ण होता हुआ कितना भयंकर आवाज आया होगा धराम हे युधिष्ठिर नारदमि कह रहे स्टोरी यह आवाज ब्रह्मा इत्यादि देवताओं के निवास तक पहुंच गई सोचिए और जब देवताओं ने इसे सुना तो उन्होंने सोचा ओ अब हमारे लोगों का विनाश होने जा रहा है कितना दूर आवाज गया सोचिए तो सही हुँ? कितना दूर आवाज गया और उनको लगा अभी विनाश होना तो जहां उस जगह कौन सी कैसी आवाज आई रही थी अपने ही पुत्र को मारने के इच्छुक हिरण्य कश्यप ने जो इस तरह अपना अद्वितीय शौर्य दिखला जा रहा था जब एक अद्भुत भीषण ध्वनि सुनी जिसे इसके पुरुष ने कभी नहीं सुना था इसी ध्वनि को सुनकर अन्य सुनायक भी भयभीत हुए उस सभा में इस ध्वनि के उद्गम का कोई उद्गम को कोई नहीं ढूंढ पाया कोई नहीं ढूंढ पाया और सब भयभीत हो गए है ना जब भगवान यहाँ पर ऊपर लिखते हैं कि अब हिरण्य काश्यपु जैसे असुर भगवान की परम नियंत्रक शक्ति का अनुभव कर सके और इस प्रकार हिरण्य कश्यपु भयभीत हो गया और मनुष्य चाहे कितना बल बलशाली क्यों ना हो वह वज्रपात की ध्वनि से सदैव भयभीत होता है जब ये रात को हम लोग सोए हुए और बारिश होती और जो ये होता है ना थंडरबोल्ट ये क्या बोलते बिजली बिजली का कड़ाका तो उससे कोई भी कितना भी शक्ति डर जाता है और वज्रपात उससे भी भयानक आवाज उससे सब कोई भी भयभीत हो जाता है इस प्रकार हिरण्य का तथा उसके सारे संज्ञा सुर उस ध्वनि के रूप में उपस्थित परमेश्वर की उपस्थिति से भयभीत थे इसलिए आप देखिए कभी हम जब हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे ये कीर्तन करते हैं जो असुर नास्तिक होते हैं ना वो बोले बंद सब डिस्टर्ब करने आए सेम ऐसा है वो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं या हिरण्य डिस्टर्ब हो गया और भयभीत हो गया वो बाप रे ये कौन सा आवाज है मैंने तो सुना ही नहीं था अनएक्सपेक्टेड वो इतना गुस्से में था कि वो खंभे को तोड़ने लगा तोड़ा देखो जब वो इसको निर्जीव समझ रहा था इसमें भगवान कैसे हो सकते मतलब वो इतना डिप्रेस हो गया था कि खंबे को तोड़ के उसको मार देना चाहता था विष्णु को इतना डिप्रेस हो गया था क्योंकि मरने वाला था वो तो उसने सोचा अभी मैं मारूंगा तुम तुम हाथी से नहीं मैं जहर देने से नहीं मरे और बड़े एकदम तीव्र अस्त्रो से तुम नहीं मरे अभी मेरी तलवार से मैं मारूंगा वो इतना डिप्रेस हो गया कि अभी तो मैं मारूंगा ही तुमको मारना ही पड़ेगा नहीं तो मेरा विनाश हो जाएगा वो डर गया अब आज का श्लोक आया अपने दास प्रहलाद महाराज के वचनों को सिद्ध करने के लिए कि वे सत्य है अर्थात यह सिद्ध करने के लिए कि परमेश्वर सर्वत्र उपस्थित है यहां तक कि सभा भवन के खंभे के भीतर भी है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि ने अपना अद्भुत अभूतपूर्व अद्भुत रूप प्रकट किया यह रूप न तो मनुष्य का था न सिंह का इस प्रकार भगवान उस सभा कक्ष में अपने अद्भुत रूप में प्रकट हुए यही है भगवान की अद्भुतता कहीं पे भी और सर्वत्र भगवान प्रकट हो सकते हैं हिरण्य कश्यप को मारने हिरण्यक्ष को मारने के लिए उसके बड़े भाई को मारने के लिए हा? भगवान इर, आ, वरादेव ब्रह्मा जी के नस्कोरे से उत्पन्न हुए ये बात है तो हिरण्य के शिव को वो ना सुन था वो मानता नहीं था तो उसको विश्वास दिलाने के लिए भगवान खंबे से प्रकट हुए तो प्रहलाद के कथन की पुष्टि करके भगवान ने सिद्ध कर दिया कि उनका भक्त कभी विनष्ट नहीं होता और भगवदगीता में कहते हैं भगवान ने बोल दिया है कौनते प्रति जानी ही नमे भक्त प्रणश्यति ये कुंती पुत्र तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होगा और भगवान नरसिंह देव ने यही बताया तो हमको भक्त को हमेशा प्रोत्साहित होना चाहिए मत चिंतित हो मैं यहां उपस्थित हूं जैसे प्रहलाद के लिए भगवान खंबे से प्रकट हुए हमें भी जब भी कोई मुसीबत आए हम दुखी हो सतत भगवान को याद करना है और भगवान को याद करना है सततम कीर्तन तो माम सततम कीर्तनीय सदाहरी सदा बनना है तो भगवान को सतत हरे कृष्ण महामंत्र से याद करना है हम्म, और इसके लिए हमको अच्छी तरह भक्ति करनी है, है ना? जो प्रभुपाद ने भगवत धाम जाने के लिए जो पैकेज दिया है सिक्सटीन प्लस फोर इज इक्वल टू बैक टू गोड हेड वो इस ये पैकेज परफेक्ट है लेकिन सोलह माला करना हा? और चार नियमों का पालन करना आसान नहीं है इसके सपोर्ट में हमको चाहिए क्या सपोर्ट चाहिए मंगल आरती पूजा सेवा सब चाहिए हम सोचेंगे इतना करेंगे आयस इतना करने से हो जाएंगे लेकिन हम माया का प्रभाव इतना हम इतना भी नहीं कर सकेंगे नियमों तोड़ सक तोड़ देंगे हम लोग तोड़ते हैं ना नियम चार नियम कौन सब पालन करना सबके लिए मुश्किल है तो इसीलिए हम लोगों को ये सपोर्ट के लिए ये मंगल आरती प्रतिदिन आना है करना है अगर नहीं आ पाए घर पे करो लेकिन करो तभी हम प्रहलाद महाराज के अनुसरण में आगे बढ़ सकते हैं प्रहलाद महाराज सत्ता चौबीस घंटा करते थे चिंतन भगवान का तो हम धीरे धीरे करेंगे तो ये चौबीस घंटे पे पहुंचना मुश्किल है पर हो जाएंगे याद करो मैंने पिछले दो तीन दिन से मैं यही इसके ऊपर ज्यादा जोर दे रहा हूँ कि हम कोई भी कार्य करें हरे कृष्ण हरे कृष्ण करते रहो करते रहो कोई भी कार्य करें फिर भूल जाएंगे सुबह उठते हैं तो हम मोबाइल देखते हैं ये सब करते हैं ओह हरे कृष्ण साइड पर रख दो व्हाट्सएप आए किसका, किसका साइड पर रख हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 स्नान करते हैं आज ये हो गया वो हो गया नहीं सतत कीर्तन कुकिंग करते हैं कीर्तन बातें करते हैं कीर्तन सेवा की बात है तो अलग बात है ये मैं इस पे जोर दे रहा हूं मैंने एक जो प्रवचन दिया था जो सबको बोला कि आप ये प्रवचन सुनो भक्तों का दोष मत देखो अभी तो गुण देखो ये प्रवचन मैंने यही बात पे जोर दिया कि हम थोड़ा काम करते फिर भूल जाते हैं फिर कीर्तन करना बंद कर देते हैं, है ना? दो मिनट याद रहते हैं हमको हाँ कीर्तन करना कीर्तन करते हैं कीर्तन करना फिर हरे कृष्ण हरे कृष्ण दो तीन बार बोले फिर मन चला जाएगा मन बोलेगा नहीं और असदा हरी ही कभी भी सतत मत करो कीर्तन भाई मुझे अभी भोग भुगतना है थिंकिंग फीलिंग विलिंग मन बोलेगा हमको भाई सतत कीर्तन क्यों करते हो अभी थोड़ा घर गृहस्थी में ध्यान रखो हु? ये इसके बारे में सोचो उसके बारे में सोचो वो तुम्हारे बारे में क्या बोल रहा था ये तुम्हारे बारे में क्या बोल रहा है वास्तव में यदि हम अभ्यास करेंगे इसका कि सतत भगवान का मैं नाम लो एक कागज पे लिख के रख दो कि मैं आज से सतत भगवान का नाम लूंगा धीरे 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 वो हम हमारा बढ़ेगा नाम हम सतत तो नहीं ले पाएंगे अवस्था में लेकिन हमारा नाम बढ़ेगा बोलना हुँ? फिर धीरे 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 ज्यादा बोलेंगे तो हमारा पूरा कल्याण होगा जैसे हम कोई भी काम करते हैं कोई बात करते हैं तो हम बोलते भाई ये ये चीज बेचने आया हूं मैं आपको लेना है ये चीज ऐसे बात करने के बाद वो सोचता है तब हमारे कृष्ण बोलना चाहिए जैसे हम पुस्तक वितरण करने जाते हैं ना तो उनको पुस्तक देते हैं फिर हम सोचे लेगा कि नहीं लेगा नहीं वो सोचना गलत नहीं है वो ले तो हम कीर्तन करते हरे कृष्ण हरे कृष्ण इस प्रकार कीर्तन करते करते है, ये बहुत अच्छी टीप है ये बहुत अच्छी टीप है कीर्तन कि, ये सदा हरी हमको सदा हरी का कीर्तन करना है और इसके लिए सतत इस प्रकार से हमारे मन को कृष्ण नाम कीर्तन में लगाना है हरे कृष्णा श्रीमद भागवतम की जाए कोई ना प्रश्न छ किसी को प्रश्न है बोल हाँ हाँ दोनों साथ में है जैसे ये शाम तो अंतगतम पापम प्रश्न ये है भक्का कि भाई त्रिनादअप सुनी चेन जो श्लोक है और उसमें आता है जो अपने आप को घास के के से भी तुच्छ समझता है वो सतत कीर्तन कर सकता है तो कीर्तन करने से ऐसा आएगा या ऐसा करने से सतत कीर्तन कर सकेंगे ये प्रश्न है तो देखिए एक और और ऐसा आता है ये शांतगतम तो पापम जनानम पुण्यकर्माणम भगवान कहते हैं जिनके पाप नाश हुए हैं वो निर्मुक्तम वही मुझे से भजन कर सकते हैं मेरा ऐसा एक भगवान कहते हैं तो इसमें भी ये प्रश्न आता है कि जिनका पाप कर्म नष्ट तो हम तो पाप ही है तो हम तो भगवान की भक्ति नहीं कर सकते नहीं भवपात कहते हैं कि जिनका पाप नष्ट हुआ है या जो भगवान का नाम ले रहा है उसका नाम लेने से उसका पाप नष्ट हो जाएगा इसी प्रकार कीर्तन करते कर, करने से करते रहने से सतत कीर्तन करते प्रयास करने से हमारे में नम्रता आएगी और जैसे ही नम्रता आएगी हमारा कीर्तन और बढ़ेगा और नम्रता आएगी हा? और बढ़ेगा और नम्रता इस प्रकार हम दोनों चीज साइमल्टेनियसली चलेगी ऐसा नहीं अभी मैं नम्र बनता हूँ हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण फिर मेरा नहीं ये नम्रता नहीं ये नम्रता दिखावा है वास्तविक नम्रता क्या है ये एक्चुअली बहुत सुंदर व्याख्या प्रोपा ने दी है मैंने पढ़ा था मैं भूल गया वो मैंने नोट नहीं किया वास्तविक नम्रता कोई भी कठिन स्थिति में भी भगवान की सेवा करना वही नम्रता है इस प्रकार का है कुछ मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है तो वो नम्रता और आदर देना दूसरे को जब हम सतत कीर्तन करेंगे ना तो हमारा रियलाइज होगा सतत कीर्तन मतलब प्रयास करेंगे जैसे हम सोलह माला करते हैं सतत करते हैं ना एक सौ आठ बार यानी एक ही साथ में सत्रह सौ बार लेना सतत कीर्तन कीर्तन ही है ना सतत हम ही है ना एक माला करना दस मिनट सतत कीर्तन करते हैं ना तो जैसे जैसे कीर्तन करेंगे नम्रता बढ़ेगी बढ़ेगी पॉइंट जीरो जीरो वन तो जीरो जीरो बढ़ेगी क्योंकि हमारा जो मन है वो दुष्ट है मन गेट पर बैठा है कुछ भी चीज अंदर आने का नहीं है ना विजय दामोदर गेट पे हो तो यमुना नहीं आ सकती अंदर है ना बच्चे नहीं आ सकते तो ऐसे मन इतना दुष्ट है कि गेट पर बैठा है और सब चीज मन के द्वारा ही जाती है आँख, ना देखो हमारी आंख नाक कान सब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है मन से आँख, मन को दिखाती है हमको नहीं दिखाती है आत्मा को नहीं दिखाती है बुद्धि को नहीं दिखाती है दर्शन किसको करो थे मन को और मन यास। यही मुझे यही सीरियल देखनी थी मुझे यास यही सुनना था प्रभुपाद ये मेढक आवाज ऐसे निकालते कुकड़ को कुड़ को कुकड़ को यही मुझे सुनना था मन ने बोल दिया <rimi sagnate foreign language> ये ऐसा है वो वैसा है। यास यही सुनना है और मुंह पे जीवा पे यस yes, यही खाना था मुझे यही स्वादिष्ट चाइनीज सू। आ, यही खाना था मुझे और चाइनीज की लारी देखेंगे कोई है नहीं खा लेते हैं एक दिन में खाने से क्या होगा ऐसा ये मन बोलेगा एक दिन का कोई देखता नहीं है फिर अभी तो गर्मी है रात को हम जाएंगे अभी तो सब जगह आइस गोला आइस डिश एक खाले इसमें कोई नियम नहीं टूटता है हा? या कोल्ड ड्रिंक ठंडा कोल्ड ड्रिंक ये अभी जाहिरते हैं वो उसकी फ्रूटी की फ्रूटी की जाहिरत तो होती है सब मालूम है उनको ठंडा कोल्ड ड्रिंक फ्रूटी हम ब्रिज पे आते हैं हाँ बहुत गर्मी है लाओ भाई एक फ्रूटी दे दो लाओ भाई एक लिमका दे दो हा? हमको तुरंत हाँ मजा आ गया ये मन मन बोलता है मजा आएगी ऐसा है मन को कब्जे में लेना है फिर स्पर्श इंद्रिया स्त्री का दर्शन किया स्पर्शेंद्रिया उत्तेजित हो जाएगी थोड़ा स्पर्श हुआ स्त्री को खत्म मन ने बोला यस, यही तो स्पर्श में चाहता हूं है ना इसीलिए प्रभुपात कहते हैं शास्त्र की आज्ञा है कि काश की पुतली को भी देखना नहीं चाहिए सन्यासी को तो ऐसा है मन सोचिए ये मन बड़ा दुश्मन इधर बैठा इधर हृदय में आत्मा को लेकर बैठा है फिर कौन परमात्मा का आवाज सुनेगा हुँ? तो हमें इस मन को समझ गए तो हम सतत कीर्तन करते रहे और ऐसे ही हमारा मन धीरे 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 पिघलेगा और एक दिन हरे कृष्ण बोलेंगे और हमारा लोहे का मन पिघल जाएगा और हमारी आंखों में से आंसू निकलेगा ये दिन आएगा हमको दिन की आकांक्षा रखनी है वी शुड एस्पायर फॉर दैट डे दे। हमको आकांक्षा रखनी है कि किस दिन हम हम रो, रोज बोलते हैं ना नयनम गलद्रु धार या वदनम गु दया गिरा तो ये दिन आएगा हमारा लेकिन सेवा ऐसी करनी है या तो थोड़ा सेवा करते हैं देखो मैं बॉस हो गया ये बॉस नहीं होना है सेवा नम्रता भाव से करना है मैं बहुत सारी सेवा करता हूं मेरे बिना भी चलेगा नहीं ऐसा जब घमंड आया तो हमको समझना चाहिए कि हम उल्टा जा रहे उल्टी घड़ी चल रही है हमारी उल्टी घड़ी नहीं चलनी चाहिए सीधी घड़ी चलनी चाहिए हां ये समझे ना इसीलिए ये दोनों जब अपराध युक्त जब करेंगे वो ठीक है अपराध युक्त जब करेंगे फिर धीरे-धीरे अपराध मुक्त होंगे लेकिन ये सब चीज ध्यान रखना है। जब करेंगे फिर सेवा करेंगे सेवा बढ़नी चाहिए तो हमें समझना चाहिए और बढ़ने के बाद भी ऐसा देखो प्रभु मैं बहुत सारी सेवा करता हूं ये नम्रता नहीं है नम्रता सेवा बड़ी अरे बाप रे बाप मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि मुझे इतनी सेवा मिल रही है भगवान आपका बहुत आभार जिस दिन हमारे हृदय में ऐसा हो तो हमें समझना चाहिए कि हमारी नम्रता बढ़ रही है हम भगवान का आभार माने भगवान वास्तव में मैं सेवा करने के लायक ना आपने मुझे सेवा दी इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं सेवा में कभी भी ना मत बोलो सेवा में ना बोला यानी हम लोग नम्रता नहीं है हमारी यस प्रभु ये सेवा में करूंगा या ऐसी देखो ऐसी सेवा तो नहीं है कि भाई आपको बोल दिया से जंप करके जाओ ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा लेकिन सेवा में सेवा का डर लीडर को डर नहीं होना चाहिए प्रभु ये थोड़ा सेवा करोगे ऐसा डर नहीं होना चाहिए लीडर को प्रभु ये सेवा करनी है यस प्रभु ये हमारा होना चाहिए जैसे गुरुवत बोलते हैं कि हमने रिपोर्ट दिया कि एक लाख प्रेमावतर हो गई अभी नेक्स्ट जी गुरु महाराज आप जो बोलेंगे वो एक बार वृंदावन में मैं हम लोग गए थे पूरा यात्रा लेकर तो गुरु इधर हमने प्रणाम किया और बोला गुरु महाराज सब हम सबको आशीर्वाद दीजिए ताकि हम मैराथन आ रहे हैं भगवत गीता का जोर से वितरण करें तो गुरु महाराज ने बोला ठीक है आप भागवतम का ज्यादा वितरण करो तो मैं गुरुमाथ को काउंटर बोल रहा था कि गुरुम्थ भागवतम ये बात नहीं ये वो है एज बोल रहा गुरु ने मुझे काट दिया नहीं भागवतम का वितरण करो समझे मतलब हम ठीक है जो आप आज्ञा देते हम गुरु को समझाने नहीं जाए एक्सक्यूज नहीं निकाले तो सभी ने एक बहुत अच्छी बात की थी बोला पक्का भक्त कब होता है जब आधी रात को 12 बजे आप उनको उठा के बोलो प्रभु ये सेवा करनी है यस प्रभु उसके मुंह से यस शब्द आना चाहिए हमें ये इसको बोलते नम्रता। इसको बोलते नम्रता। इसको बोलते यस प्रभु मैं करूंगा नहीं प्रभु बारह बजे नींद आ रही है अभी छोड़ो न देखो बारह बजे कब सेवा मिलेगी जब कोई इंपॉर्टेंट होगा ना अर्जेंट होगा ना कुछ तो कुछ तो होगा ना तभी होगा ना ऐसा तो इस प्रकार नम्रता भी डेवलप होगी और हमारे कीर्तन भी कीर्तन ही सदा हरिम बनेंगे जिसको 12 बजे सेवा मिली और उसने सेवा किया वो कीर्तन या सदाहरी क्यों नहीं कर सकता हा? सदाहरी का कीर्तन कर सकता है ये हमें शिक्षा लेनी है क्लियर हरे कृष्ण श्रीमद भागवतम की जाय भगवान श्री नृसी देव की जाय श्री श्री प्रहलाद नृसी देव की जाय भगवान श्री नृसी देव चतुर्दशी महोत्सव के जाय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल अब अंदर ही बोल तो। तो।